Hey, what's up everyone? Welcome back to my another video. तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है. हम लोग आए फिशिंग करने के लिए और हमारे साथ आए हमारा जो फिशरमैन है ये एक हमारे काका है और वहाँ दूर पे देखिए दूर से और एक काका आ रहे हैं. तो हम लोग यहाँ पे करीब मतलब दो रात यहाँ पे बिताएंगे, यहाँ पे रुकेंगे, मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे. होप सो बहुत सारा मछली हम लोग को मिल जाए और इसी मतलब यही एरिया पे यहीं पे ही हम लोग उसको कुक करेंगे. मतलब काइंड ऑफ एक कैच क्लीन कुक वीडियो होगा ये वाला. तो ज़रूर देखते रहना हम लोग को क्या क्या मछली मिलता है, कितना बड़ा मछली मिलता है, क्या नहीं प्रॉन्स मिलता है, कितना सारा मिलता है, सब कुछ पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा. बहुत ही मज़े का होने वाला है. ये काइंड ऑफ हम लोग का सेटअप है. अभी हमारा जो टेंट वहाँ पर दिख रहा है, टेंट अब तक रेडी नहीं किए, उसको रेडी करने वाले हैं. लेकिन आज दोपहर का खाना के लिए अभी मछली पकड़ने जाएंगे थोड़ा बहुत दोपहर को खाने के लिए. तो उसका प्रिपरेशन थोड़ा चल रहा है. अभी हमारा जो काका है उनका कहना ये है कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो आधा किलो मछली तो पकड़ के ही लाएंगे बस फिलहाल अभी के लिए. तो चलो देखते. और ये देखिए यहाँ पे छोटा सा गड्ढा है, यहाँ पे आए पकड़ने के लिए. देखते क्या मिलता है क्या नहीं. तो देखिए ज़्यादा मछली मिला तो नहीं है लेकिन फ़िलहाल के लिए बस वेज नहीं खाना है, नॉन वेज खाना है, इसलिए काफ़ी है इतना. तो देखिए शाम ढल गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए. हमारा नाव जो जा रहा है बहुत छोटा नाव है, चार जन का सवारी नहीं हो सकता है, इसलिए पहले दो जन जाएंगे, छोड़ के आएंगे, फिर रिटर्न आएंगे, हम लोग को लेके जाएंगे. हिल रहा है पूरा, डर लग रहा है. हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, थोड़ा सूरज तो ढल गया है और थोड़ा शाम होने का वेट कर रहे हैं. थोड़ा अंधेरा अंधेरा होगा उस टाइम, क्या होता है ना जो फ्रेश वाटर प्रॉन है वो मतलब साइड साइड में आ जाते हैं, किनारे पे आ जाते हैं. तो देखिए अंधेरा हो गया है और हमारा जो पहला फिशिंग नेट जो गिरने वाला है वहाँ पर देखिए काका काका रेडी एकदम पूरा. तो हम लोग का जो पहला स्ट्राइक था उसमें कुछ नहीं मिला लेकिन बी पॉजिटिव होप, देखते आगे क्या होता है. और ये देखिए हमारा सेकंड स्ट्राइक है, हम लोग को मछली मिला. फ्रेश वाटर प्रॉन तो नहीं मिला लेकिन बाकी छोटा मोटा मछली मिला. तो ज़्यादा वेट नहीं करते और ज़्यादा जोर से बात नहीं करते, आवाज़ जितना कम हो सके उतना बेटर है. और आगे की तरफ चलते देखते हम लोग को कब मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है. देखिए मेरा हम लोग का थर्ड स्ट्राइक है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. ये देखिए देखिए देख पा रहे क्या है, पूरा पॉप है. ये बड़ा है वाला. लुक एट दैट टू बिग फ्रेश वाटर प्रॉन्स. और ये देखिए हम लोग का ये बहुत सारा स्ट्राइक के बाद एक स्ट्राइक है जिसमें बोला गया है कि फ्रेश वाटर प्रॉन है, जो कि देखिए 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 देखिए. देखिए हम लोग को अभी मतलब लाइट लगा के एक अच्छा खासा साइज का एक प्रॉन दिखा है जिसको पकड़ने के लिए. देखिए पूरा काका फुल रेडी है, रेडी है एग्जैक्टली वहीं पे दिखा दे 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 उजी उजी वो देखिए एक मिनट ये आप लोग दिखा नहीं पाया कैसे उसका मतलब आग चल रहा. तो देखिए देखिए अच्छा खासा साइज का है. देखिए आप लोग ऊपर आके दिखाते हैं. देखिए साइज देख रहे हैं आप, उसका साइज देख रहे हैं. देख रहे इसको रख देते हैं सीधा बैग के अंदर और आपको और आगे दिखा रहे. चलिए रखते
ये भाई साहब देखिए यहाँ पे मैसिव जालडा नहीं आया जालडा नहीं आया बहुत ही बड़ा है दिखा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन क्या बोलूँ आपको बहुत ही बड़ा है और देखिए हाँ देखा था गोदी मारा बस 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 देखिए वहाँ पे दिख रहा है हाँ एक्जैक्टली वही पे एक टू लाइट और ऊपर मारे ना टू है मेरा वहाँ पे मैसिव बहुत बड़ा है ज़्यादा नहीं तो ये देखिए आज हम लोगों का रात का जो मछली जितना भी पकड़े लास्ट दो ढाई घंटे में ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन अभी फ़िलहाल इसको ये नॉर्मल करी टाइप बना के खा लेंगे हम लोग सब और अभी खाने के बाद कल रात को करीब 12 बजे हम लोग फिर से जाएंगे और हम लोग का मेन एम ये है कि हम लोग को चिल्ली प्रॉन बनाना है तो देखते हैं कितना प्रॉन इकट्ठा कर पाते हैं लेकिन फ़िलहाल अभी ये सब खा लेंगे बुक्कड़ है सारे हम लोग तो चलो इसको क्लीन अप कर देते हैं फिर बनाते हैं और खाते हैं। ये मछली फ्राई हो गया है और इधर हमारा और ये देखिए साइड भी इसका ग्रेवी तैयार हो रहा है ग्रेवी थोड़ा बहुत तैयार होने के बाद जो फिशेस वगैरह सारा इसमें डाल दिया जाएगा। अभी देखो काइंड ऑफ एक पिकनिक काइंड ऑफ हो रहा है ऐसा कुछ जज मत करना यहाँ पे कि कैसे खा रहे हैं क्या नहीं वगैरह लेकिन इसका मज़ा ही कुछ और है। और इसके अंदर देखिए हमारा जो प्रॉन्स वगैरह सारा सब इसके अंदर है वो फिशेज भी इसके अंदर आएगा। बनने के बाद इधर देखिए हमारा टेंट भी पूरा रेडी है आराम से खा के थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन सुबह हो गया और सुबह होते ही काम शुरू हो गया वहाँ पे जो हुक डालने के लिए हुक में छोटा छोटा मछली का पीसेस लगा हुआ है जिन्हें अभी वो लोग जाएंगे उसको डाल के रखेंगे ऐसे ही 3-4 घंटा उसको रख देंगे। जो छोटा सा एक टापू दिख रहा है उस टापू के आर पार ही उधर कहीं पे लगाएंगे। और ये जो हुक है थोड़ा डिफरेंट है सिंगल हुक नहीं है मतलब लंबा सा एक स्ट्रिंग है उसमें तुम्हारा जो सीरीज ऑफ हुक्स लगा हुआ है। तो इसके बाद हम लोग दिन भर थोड़ा बहुत रेस्ट किया और शाम को फिर से मछली पकड़ने के लिए निकल गए। तो हेलो एवरीवन और आज का शाम जो है शायद हमारे यहाँ पे लास्ट नाइट है और आज हम लोग का प्रिपरेशन फुल प्रिपेयर्ड है शायद आज हम लोग मैक्सिमम मछली पकड़ने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास एक टास्क भी आ गया है मुझे इस नाव को थोड़ा इससे चलाना है चप्पू से थोड़ा बहुत चलाना है देखते डिसअपॉइंट नहीं करते हैं सोच के। देखिए मैं पूरा जितना पॉसिबल हो सके स्टेडी हो के चप्पू चला रहा हूँ लेकिन सच बोलो तो मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि उल्टा पुल्टा कुछ ना कर दूँ। एकदम पूरा रेडी विशाल पत्थर एक बार जो आया दो बार आना ही पड़ेगा ऐसी बात है। ये पत्थर का नाम भी है ये बोलो इतना बड़ा बड़ा इसका नाम क्या है? ये विशाल पत्थर है ये जो ना इस पत्थर का नाम है विशाल पत्थर इसका बहुत ज्यादा बड़ा है। एक बार आएगा दो बार आना ही पड़ेगा बस एक बार जो आएगा उसको दो बार आना ही पड़ेगा। बड़ा बड़ा मच्छी रहता है बारिश का टाइम बस मशाम देखो तो मशाम का जैसा मच्छी है। और नजारा कैसा है? हां नजारा देखने को ऐसा सुपर देखो देखो पूरा सुपर नजारा है बस बढ़िया से हम लोग को सुपर मछली भी मिल मिलेगा। बस बस भाई हमारे अंकल लोग अगर बोल रहे पूरा मिलेगा तो भाई मिलना ही है। से शुरू किए थे वहाँ से मछली पकड़ते पकड़ते हुए आए और क्या करते हैं ना पहले एक जगह पे रुकते हैं यहाँ पे रुकने के बाद क्या करते हैं मछली का चारा दिया जाता है। देखिए देखिए अंकल ऐसे दे रहे हैं मछली का चारा दिया जाता है। दिया जाने के बाद फिर वहाँ पे 5-10 मिनट वेट करते हैं फिर वहाँ से नेट फिशिंग हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अंकल मतलब जगह जगह देख के वो लोग वो चारा दे रहे हैं। देखिए ज़्यादा तो नहीं है लेकिन रात कम्प्लीट होते होते
और भी बहुत हो जाएंगे। और ये देखिए कितना बड़ा है ये वाला, बहुत ही बड़ा है, परफेक्ट साइज है। देख रहे इसका साइज देख रहे, ओ। तो देखिए हमारा जो नेट फिशिंग वो कंप्लीट हो चुका है अभी के लिए। फिलहाल अभी के लिए खाना वाना खा के डिनर करके फिर से हम लोग निकलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो हुक डाल के आए थे सुबह, और आप लोगों को देखा नहीं पाया, मतलब जो स्ट्रिंग का जो खिंचाव था, एक झटका दिया था मछली ने, आप लोगों को दिखा नहीं पाया मैं। ये देखिए मछली मिला है, थोड़ा बहुत मुझे पता भी नहीं, एक्चुअली देख भी नहीं पाया हूँ मैं। बीच में एक पत्थर वहाँ पे आ गया हूँ, और ये लोग सारे मछली का जो हुक वगैरह है, ये देखिए हुक का लाइन जो दिख रहा है सारे चेक कर रहे हैं। अभी यहाँ से छोटा सा कुछ एक मछली मिला है, ये देखिए ये वाला मछली मिला है, ज्यादा बड़ा है नहीं, और एक बड़ा मछली था जो निकल के चला गया। और ये देखिए और एक मछली, आज यही मछली मिल रहा है पूरा, सिर्फ यही मछली मिल रहा है। देखिए वो जो हुक दिख रहा है आपको, फिर से हुक डाल दिया गया। तो देखिए ये कल हमारा इतना पकड़े हैं मछली, ये सब जितना मछली दिख रहा है काला काला वगैरह, फ्रेश वाटर प्रॉन छोड़ के ये सारा हुक फिशिंग से पकड़ा गया है, और बाकी ये नेट फिशिंग ज़्यादा है नहीं मुझे पता है, लेकिन पता नहीं कि हमारा लक ही शायद ख़राब है। बेसिकली प्लान बनाने का है, चिल्ली फिश बनाने का प्लान है, ज़्यादा इन्ग्रीडियंट तो है नहीं, जितना भी उतने में करने की कोशिश करेंगे। तो चलो इसको क्लीन करके फिर आप लोगों को मिलते हैं। अब इसको छोटा छोटा पीसेस में कट किया जा रहा है, और ये हमारा जुगाड़ है, क्या करें ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट है नहीं, तो वो आइल तरीके से पेपर ग्राइंड कर रहे हैं। तो चलो हम लोग अपना मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहले जो प्रॉन्स है इसको हम लोग बीच से काट देते हैं, जो पेपर पाउडर है इसको हम लोग पहले देते हैं। अब ये मेरा हम लोग का जो मैरिनेशन मतलब कंप्लीट हो गया है, जिसको साइड में रख देते हैं। ये बड़ा पूरा देसी स्टाइल बनेगा, जितना भी मसाला है सारा, मिर्ची पाउडर है इसको डालते हैं, पेपर पाउडर, उसके बाद थोड़ा सोया सॉस, ये थोड़ा कम डालेगा। हमारा विनेगर, इसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा इसमें, नमक थोड़ा ज़्यादा डालेगा क्योंकि उसमें बाद में एरोरूट भी डालने वाला है, तो उसको भी मेकअप करके डालना पड़ेगा। क्यूमिन पाउडर, जो जीरा पाउडर है, एक अंडा इसके लिए ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, डाल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद डलेगा हमारा फाइनली जो है कॉर्नफ्लोर पाउडर। अगर किसी को समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि अंकल क्या बोल रहे हैं। और भी है अंकल, करीब 7-8 को लैंग्वेज जानते हैं। निजंगा बांग्लू एम चाहता। तो देखिए ये वाला भी कंप्लीट हो गया मैरिनेशन, अभी इसको थोड़ा रखते करीब आधा घंटा एक घंटा। काइंड ऑफ देखिए हमारा ड्राई बटर पूरा रेडी है, हमारा तेल पूरा गर्म हो गया है, तो जल्दी से हम अपना पकोड़े तल लेते हैं। हम लोग का शायद फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। ये कितना बढ़िया पूरा कड़क हुआ है, अभी पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, खाने के बाद पता चलेगा। अभी हम लोग स्ट्रेट आते हैं प्रॉन्स पे, जो मैरिनेटेड रखा हुआ था
इसको सिंपली हम लोग ये जो ड्राई बैटर के अंदर डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए कितना बढ़िया से पूरा कोटिंग हो गया है, कितना बढ़िया दिख रहा है, क्रिस्पी है पूरा। तो देखिए हमारा जो कढ़ाई है पूरा गर्म हो चुका है, और ऐसे ही गर्म में जो फ्राई आइटम्स बहुत बढ़िया बनता है। गार्लिक ऑनियन का ये गया पहले, मिर्ची गया उसमें थोड़ा, ठीक है ना, उसके बाद मेरा ऑनियंस, उसके बाद मेरा गया कैप्सिकम, सोया सॉस डालना है, टमाटो सॉस, देखिए मेरा मिक्स रेडी है। इसके अंदर अभी डालना है मुझे प्रॉन्स। डजंट दैट लुक डिलीशियस। मैं ग्रेवी नहीं बनाना है इसमें, इसलिए थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च पानी में मिलाकर थोड़ा डाल देते हैं बस। ये वाला भी थोड़ा खा के देखते हैं, कुछ मजा ही अलग है इसमें। और स्पेशली जब जंगल में ऐसा खाना मिल जाए ना, वो भी तो नदी नदी से पकड़ा हुआ भाई, उसका मजा ही कुछ और है। अरे देखिए हमारा, देखिए एग्जैक्ट यही चीज पीक भी बना लिया। मैं तो बनाने वाला हूँ भाई, इतना बढ़िया आइडिया है, ब्यूटीफुल। सही में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और हम लोग ये वीडियो अभी यही पे खत्म करने वाले हैं, और आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, ये जो वीडियो जैसा आपको कैसा लगा, ऐसा ट्रिप आपको दोबारा चाहिए क्या, ऐसे फिशिंग करना है, ऐसे ही जंगल में बैठ के खाना बनाना, क्या स्पेशल डिशो वगैरह कुछ भी आप लोगों का अगर रिक्वायरमेंट है, ऐसा अगर वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हाँ चाहिए बोल के, या फिर किस टाइप का चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। और हमारे साथ जो फिशिंग के लिए यही दो अंकल जो है इनके साथ ही जाएंगे, आगे बहुत बड़ा बड़ा प्लान है फिशिंग का। ये भी ये तो छोटा मोटा मछली था बहुत ही, आप बताइए थोड़ा अंकल कैसे बड़ा मछली का प्लान है। बहुत बहुत बड़ा बच्चे में पकड़ देंगे, आज के बारिश का मौसम आना देते हैं, अभी तो मौसम कोई गलत है इसलिए होता नहीं, नहीं तो ज़रूरत पड़े तो जितना बड़ा मछली देखना चाहोगे उतना बड़ा देखा देंगे। तो देखिए अंकल का कमिटमेंट, देखिए अंकल बोले हैं बारिश के सीजन में आना, इतना बड़ा बड़ा मछली पकड़ेंगे, उससे पहले भी हम लोग कहीं और भी जाने का प्लान करते हैं, अगर होगा तो ज़रूर आप लोग मतलब ज़रूर बताइएगा। कुछ भी देखा देंगे, पानी के अंदर मछली पकड़ के ऐसी खाता है कि ऐसी एक चीज़ है कि देखा नहीं आप, कि एक क्विंटल वाला मछली है तो 10 किलो वाला सवारी है वो पकड़ लेंगे उसको, वो कुछ नहीं कर सकता मछली, इतना बड़ा सवारी है ही नहीं, वो पानी में डूबता है फिर खाता है फिर। मतलब अंकल का बोलने का मतलब है एक जानवर है जो कोई मछली पकड़ के खाता है, ठीक है ना, तो उस जानवर को भी दिखाने का हम लोग का प्लान है। हम लोग आज जाने वाले थे लेकिन हम लोग उस प्रॉब्लम की वजह से हम लोग को रिटर्न जाना पड़ेगा, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में वो वाला दिखाने की कोशिश करेंगे और भी मछली पकड़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग ट्रिप द वर्ल्ड, आप लोग को ऐसे ही ऑसम जबरदस्त वीडियोज दिखाते रहेंगे, बस आप लोग थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थैंक यू।